भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला समाप्त हो गया। यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। रोहित शर्मा ने लगातार दूसरे मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलबदीन नायब के 57 रन की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 32 रन खर्च कर 3 विकेट झटके। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिला। भारत को इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 179 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी का आगाज किया, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा पारी के पहले ही ओवर में फजल हल फारूकी की गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाल लिया। दोनों ने 57 रन की साझेदारी कर भारत को मुसीबत से बाहर निकाला। विराट कोहली 29 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। जब विराट कोहली का विकेट गिरा तब भारत का स्कोर 6 ओवर में 62-2 था। यहां से यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की तूफानी पारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल 68 रन की पारी खेलकर अंत में आउट हो गए, लेकिन शिवम दुबे अंत तक नाबाद रहते हुए 63 रन की पारी खेलकर भारत को 6 विकेट शेष रहते इस मैच में जीत दिला दिया। अब भारत की टीम इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लिया है।